नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। मुर्गी पालन के दौरान जब चूजे एक दिन के कहीं से हम लेकर आते हैं, किसी भी हैच से लेकर आते हैं, तो ब्रूडिंग कैसे की जाती है, ब्रूडिंग प्रोसेस होती क्या है, कितने दिनों की होती है और किस किस तरीके से की जा सकती है। अक्सर किसान दोस्त ब्रूडिंग करते समय ही गलतियां करते हैं और मोर्टिलिटी रेट जो है वो लगातार बढ़ जाती है। छोटे चूजों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, हमको उनका फीड मेंटेन करना होता है, ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी होती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं तन्ना रॉय जी से। हम हैं गोल्डन बर्ड्स पर जो कि मुर्शिदाबाद में है। सर से पूरी जानकारी लेंगे कि ब्रूडिंग प्रोसेस होती क्या है और कैसे करते हैं। सर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो हमें किसान देख रहे हैं, एक परिचय दे दीजिए कि हम कहां पर हैं और आप तक कैसे लोग पहुंच सकते हैं। अच्छा, अभी जो हम है, हमें वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद जिले में जी। तो इसका जगह का नाम है कादी कुली जी। तो मेरा दोस्त का ये फार्म है। हाँ। तो मैं यहाँ पर आते जाता हूँ, मैं यहाँ पर ही रहता हूँ जी। और सबसे बड़ी बात है जो किसान लोगों को जो फेस करना पड़ता है ब्रूडिंग के लिए, तो ज्यादातर किसान लोग क्या करते हैं, फार्मिंग के जो पहला प्रोसेस होते हैं ब्रूडिंग, वहां पर ही चूजे में मोर्टेलिटी आ जाते हैं, या मोर्टेलिटी नहीं भी आएगा तो भी तरह तरह की बीमारी चूजे में आ जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान देने का जरूरी ये है, जब अपने किसी भी हैचरी पे अपने चूजे बुक कर दिए, चूजे आने से पहले जी आपका फार्म पे जो टेम्परेचर है उसको सही करना सबसे जरूरी है। मान लीजिए 35 डिग्री से 32 डिग्री के अंदर उसका टेम्परेचर रखना जरूरी है जी। तो आपको टेम्परेचर कैसे पता चलेगा कि 35 से 32 डिग्री के अंदर है, तो पहले एक हीटोमीटर ले आइए बाजार से करीब और फार्म बीचों बीच उसको लगा दीजिए। तो 32 से 35 डिग्री का जो टेम्परेचर आपका फार्म पे है तो आप उस हीटोमीटर से ही पता चल जाएगा और चूजा आपका खुद भी बोल देगा कि हाँ ये सही है, क्योंकि चूजा जब आप रखेंगे अगर 32 डिग्री से कम हो जाएगा टेम्परेचर तो चूजा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा जी और चूजा दब जाने का डर रहता है उसमें जी। और उसमें सबसे बड़ी बात है जैसे कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका ब्लॉकेज आ जाएगा। हाँ, एक साथ अगर दबेगा मर जाने का तो डर होता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और 35 डिग्री के ऊपर अगर आपका हीट चला गया ना जी, तो मान लीजिए इकोलाइट और लूज मोशन का चांस। हाँ, और अगर 35 से 32 डिग्री का अंदर आपका टेम्परेचर है जी, तो देखेंगे चूजा घूमेगा फिरेगा, दाना चुकेगा, पानी भी पिएगा। ठीक है, तो अभी जैसे देख रहे हैं चूजा यहाँ पर ना, तो ये थोड़ा सा बताइए है ना। अच्छा देखिए, ये पहले चूजे ले आने से पहले आपने अगर हीट को ठीक तरह से मेंटेन कर लिए ना, तो मान लीजिए यहाँ पर जो चूजा आप देख रहे हैं तो पहले 7 दिन तक चूजा यहाँ पर ही रहेगा जी। अच्छा, उसके बाद हो जाएगा आपका फास्ट वैक्सीन जिसको कहते हैं एप्स्टेन जी जी। तो एप्स्टेन वैक्सीन जब हो गया तो इसको थोड़ा सा स्पेस और भी देना जरूरी है जी। तब आपका हीट अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं जी। पहले 7 दिन इसको ज्यादा ध्यान देने का जरूरी है जी। तो उसके बाद हम थोड़ा स्पेस को बढ़ाएंगे, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं स्पेस को और भी थोड़ा बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे तो सभी एकदम उधर क्लॉक से आप इधर एकदम लास्ट तक आप देख सकते हैं। टोटल 10,000 का यहाँ पर चूजा है यहाँ पर। हाँ, ये तकरीबन 2-3 दिन का चूजा है यहाँ पर, 3 दिन जी, जी। तो आप देख पा रहे हैं इधर हीट जो है ऊपर एक बल्ब है सिर्फ और नीचे इधर चारकोल है। तो एक चारकोल से 200 वाट बल्ब और चारों तरफ से पॉलिथीन से घिरा हुआ है क्योंकि बाहर से कोई हवा अंदर ना आने ना पाए या अंदर जो हीट चल रहा है ये बाहर जाने ना पाए जी जी। तो हो गया इसका हीट मेंटेनेंस जी जी। तो इसी तरह से अगर कोई फार्मर जी जी अगर ये प्रोसेस को अगर फॉलो करेगा जी, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं इसको कि एक वेल
फार्मिंग में हाँ। वो जा सकते हैं या पूरा फ्लॉक उसका अच्छा जाएगा। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जो अपन ने ये फ्लॉक बनाया हुआ है इसमें कितने चूजे हैं सर? एक फ्लॉक में हाँ। एक फ्लॉक में इधर आपको वही 2000 के करीब ऐसा है। अच्छा, आपको अपने को हर एक फ्लॉक पर 2000 रखा है? हाँ, 1500 से 2000। जी जी, 7 दिन बाद इस स्पेस को हम बढ़ाया जाएगा। जी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे हम डे वन वोल्ट चिक्स लेकर आते हैं उस टाइम पर हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? डे वोल्ट ले जाने के टाइम आने से पहले आपको पहले क्या करना है, हीट को पहले देखना है। दूसरी बात ये है, चूजा जब आप ब्रूडिंग में रखेंगे बहुत सारे लोग उसी टाइम पे पानी और दाना दे देते हैं। हाँ। ये गलती कभी भी मत करिएगा जी। चूजा रखने के टाइम से लेकर तकरीबन 3 से 4 घंटा बाद उसको पानी दीजिएगा जी जी। उसके बाद उसको दाना के तौर पर जो सूजी होते हैं हाँ। उसको हल्का सा फ्राई करके जी जी। आप उसको दाना के तौर पर दे सकते हैं जी जी। तो उसी पहला दिन सिर्फ पानी के साथ जो आप मिलाएंगे शक्कर हाँ। और नमक हाँ। यह सबसे बढ़िया होगा अगर इलेक्ट्रोल पाउडर हाँ। सभी मेडिसिन दुकान से आपको मिल जाएगा जी। अगर 5 लीटर पानी में जी एक इलेक्ट्रोल पाउडर हाँ। उसको घोलकर हाँ। आप चूजे को दे सकते हैं जी जी। और फिर भी अगर नहीं है तो पानी शक्कर और नमक आप हाँ। थोड़ा थोड़ा करके हाँ। जैसे कि 1 लीटर पानी में हाँ। आपका हो गया 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच शक्कर जी। ये सिर्फ पहला दिन का प्रोसेस है जी जी। ठीक है, दूसरा दिन से सिर्फ नॉर्मल जैसा पानी होते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना जरूरी है जो पानी है वो पानी एकदम पीने की लायक पानी होना चाहिए जी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फार्मर ट्यूबवेल से पानी लेकर उस पानी पीने के लायक है या नहीं, वो चूजा है तो चूजे को दे दीजिए, ऐसा कभी भी गलती से भी है मत। हाँ, लेकिन देखिए पानी से ज्यादातर बीमारी आते हैं पानी से जी। हाँ, तो पानी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जी। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डे आज का ये जो पेपर देख रहे हैं, ये पेपर को कल हर दिन इसको हटाया जाता है जी जी। हाँ, अभी ये जो पेपर देख रहे हैं पेपर 7 दिन तक रहेगा जी। ऐसे पेपर एक दिन दो दिन बाद इसको पेपर को हटाया जाता है जी। और नीचे आप देख रहे हैं जो धान का भूसा हाँ। धान का भूसा है, देखिए धान का भूसा है जी जी। तो नीचे धान का भूसा रहेगा और ऊपर पेपर देकर पेपर बिछा कर चूजे को ऊपर रखा जाता है जी जी। तो दूसरा दिन से आपको नॉर्मल पानी पीने का लायक पानी जो है वही देना होगा और दाना के तौर पर आप उसको देना पड़ेगा फ्री स्टार्टर जी। स्टार्टर नहीं, फ्री स्टार्टर। फ्री स्टार्टर चलेगा तकरीबन 12 से 15 दिन तक जी जी। हाँ, और जब उसका सेकंड वैक्सीन आएगा, सेकंड वैक्सीन के बाद से उसको स्टार्टर में हम कन्वर्ट कर देते हैं जी। ठीक है, और स्टार्टर चलेगा लगभग 30 से 35 दिन तक। 35 दिन के बाद उसको आएगा ग्रोवर। ग्रोवर, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टार्टर को देते नहीं, पहले 20 दिन के अंदर ही उसको ग्रोवर दे दिए जी जी। तो इसमें क्या होता है, इसमें वेट का एक डिफरेंस आ जाता है जब मैच्योर में आता है मुर्गी जी, जी, जी। तो मैच्योर में उसका बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है जी। तो इसीलिए हम सब बोलते हैं जब आप दाना को चेंज करेंगे जी, एक टाइम आता है हाँ। जैसे कि पहले 1 डे से लेकर 2 डे से लेकर 1 डे तो उसका सिर्फ सूजी चलेगा जी। तो सेकेंड डे से लेकर 15 दिन तक चलेगा फ्री स्टार्टर जी, कोई भी बढ़िया कंपनी का फ्री स्टार्टर लेना है और 15 दिन के बाद से देना है स्टार्टर जी। और 15 दिन से चलेगा 35 दिन तक स्टार्टर, उसके बाद 35 दिन से एकदम आखिरी दिन तक, मान लीजिए सोनाली, जो सोनाली चूजा आप देख रहे हैं ये देसी ही है हाँ हाँ। तो ये सोनाली आपको 70 दिन में मैच्योर हो जाएगा, 70 दिन में ये 1 kg बॉडी वेट गेन कर जाएगा जी। तो उसको 70 दिन तक उसको ग्रोवर दे सकते हैं। बहुत सारे फार्मर का एक क्वेश्चन आता है कि भैया मैं ओपन रेज में पालना चाहता हूँ, तो ओपन रेज में अगर पालेंगे तो ये सही है कि नहीं हाँ। तो मैं उसको बोलता हूँ हाँ भैया, ओपन रेज में अगर आप पाल सकते तो
आप हमेशा वो पास, लेकिन फेस बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ते है ओपन रेस में जब जाएगा चूजा या सेकंड वैक्सीन होने के बाद। तो जैसे कि बाहर घूमेगा, बाहर का बैक्टीरिया फंगल उसका शरीर में जाएगा, जैसे जैसे जो भी बाहर का जो पड़ा हुआ जो कुछ भी है। सबसे अच्छा चीज है ये सब्जी वगैरह घास बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं जी। तो लेकिन इसमें बाहर ओपन रेस में अगर आप छोड़ देंगे तो इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैक्सीन ठीक से उसको करना पड़ता है और बाहर में बाहर का बंदा, जैसे कि बाहर का बंदा आने ना पाए जी। जो लोग फार्म में काम कर रहे हैं सिर्फ वही लोग काम करे। हम लोग बोल देते हैं फार्मर को कि भैया बाहर का कोई भी बंदा फार्म में आने मत दीजिए, अगर आएगा भी तो उसका जो चूना है बाहर चूना लगवाइए, चूने के ऊपर पैर रखकर वो फार्म में घुसेगा। अब हम लोग है वीडियो शूट करने के लिए है लेकिन ये भी ठीक नहीं है। हम अभी जो चूजे के ऊपर खड़े हैं ये भी ठीक नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ मैं इस बात को। किसान भाइयों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। ये बात सबसे जरूरी है कि चूजे जब ब्रूडिंग प्रोसेस में रहेगा जी तब उसको बाहर का कोई भी बंदा या कोई भी आदमी झट से अंदर आ गए वो कौन सा बीमारी लेकर अंदर आ रहे ये तो हम लोगों को पता नहीं है ना। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल ये चीजों को ये सब बारी बारी के थोड़ा थोड़ा करके जो आते हैं इस सबको ध्यान देना बहुत जरूरी होते है। अपने लगभग यहाँ पर कितने चूजे होंगे सर? टोटल टोटल है 10,000 वहाँ से लेकर एकदम देख सकते हैं आप। जी 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 किसान दोस्तों बिल्कुल देखिए यहाँ पर सर ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है और जो ब्रूडिंग हम समझ रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने यहाँ पर भी है ना ब्रूडिंग करनी है। ये सारे के सारे सोनाली चिक्स हैं और सर ने जैसे फीड के बारे में बताया, वैक्सीनेशन के बारे में बताया, मैं लास्ट में सर से ब्रूडिंग के बारे में एक चीज और जानना चाहूंगा कि ये कितने दिन तक किया जाता है सर, ब्रूडिंग कितने दिन तक की जानी चाहिए चूजे की? अभी जैसा ठंड का मौसम चल रहा है जी तो ठंड के मौसम के लिए आपको कम से कम 7 दिन आपको करना है जी। 7 दिन करने के बाद चूजा को और भी स्पेस, जैसे कि जितना स्पेस अभी देख रहे हैं इधर 1500 लगभग 1500 चूजा है इस एरिये में, इस एरिया को 7 दिन बाद और भी थोड़ा बढ़ाया जाएगा। अच्छा डबल करना है जी? डबल नहीं, हाँ मान लीजिए डबल ही जी। तो उसके बाद उसको फास्ट वैक्सीन दिया जाएगा। फास्ट वैक्सीन देने के बाद जो F1 और B1 होते हैं फास्ट वैक्सीन उसको देने के बाद ये और भी बढ़ जाएगा जी जी। अच्छा सेकेंड वैक्सीन आते हैं 15 दिन में, 15 दिन में स्पेस और भी बढ़ जाएगा जी। उसके बाद आएगा थर्ड वैक्सीन जो 21 दिन के बाद आते हैं, उसको कहते हैं लसोटा जी जी। लसोटा वैक्सीन होने के बाद फार्म में हाफ हाफ जगह देना जरूरी है। और सबसे एक बात मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग का फार्मर का ये क्वेश्चन होते हैं कि भाई एक मुर्गी के लिए हम कितना स्क्वायर फीट जगह छोड़े। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक मुर्गी के लिए कम से कम 1 स्क्वायर फीट जगह होना जरूरी है जी। ठीक है तो अभी ठंड का मौसम चल रहा है, अगर अभी थोड़ा कम भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन गर्मी के टाइम पर स्पेस एकदम 1 स्क्वायर फीट से लेकर 1.5 स्क्वायर फीट तक देना जरूरी है जी। तो किसान दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी ब्रूडिंग के ऊपर थी आपको पसंद जरूर आई होगी। सर ने बड़े डिटेल में बड़े आराम से हमको समझाया और बड़ी आसानी से ब्रूडिंग प्रोसेस हमने जानी और सीखी। कुछ इस तरीके से ही आपको अपने फार्म पर भी ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। मैं सर से लास्टली ये जानना चाहूँगा कि पर चूजा मतलब कितने चूजों में आपको ड्रिंकर फीडर कितने रखने चाहिए, मुझे ये थोड़ा सा बता दीजिए। ड्रिंकर फीडर मान लीजिए चूजे में जो डिंकर अभी देख रहे हैं इधर 4-5 या 6 इधर डिंकर है। डिंकर में अगर चूजे में डिंकर अगर अब 2-3 डिंकर कम भी होगा तो भी चलेगा जी। जब बाट रेडी हो जाएगा तब आपको उसका डिंकर फीडर बढ़ाना है, मतलब 100 मुर्गी के लिए कम से कम 4 ड्रिंकर या 3 फीडर 100 मुर्गी के बीच जी। ठीक है ये देना जरूरी है।
तो किसान दोस्तों आपको ब्रूडिंग प्रोसेस जरूर समझ में आई होगी, समझ में आई तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।